नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। औलाद का सुख पाने का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आजकल के समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी औलाद को हासिल नहीं कर पाते हैं। कई तरह की शारीरिक कमजोरियां या फिर ग्रह नक्षत्रों का ठीक ना होना इसका महत्वपूर्ण कारण होता है। पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर उस माँ के दुख को समझते हुए आज गुरु माँ सरोज देवी जी एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसके जरिए आप औलाद सुख को पा सकते हैं। अगर आप कई वक्त से कोशिश कर रहे हैं पर आपको औलाद का सुख नहीं मिल पा रहा है, आपके घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज पा रही हैं, तो इस उपाय को करते ही सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। इस बात की 100% गारंटी है। आइए जानते हैं ये उपाय कैसे किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपने अहोई माता की छोटी सी पूजा करनी है। आपने रविवार के दिन अहोई माता की कथा को सुनना है। सुनने के बाद आपने नारियल और पुष्प माता को भेंट करनी है। भेंट करने के साथ ही आपने अपने औलाद पाने की तमन्ना को 3 बार पुकारना है। इसके बाद आपने अपने पति का नाम भी 3 बार पुकारना है और इसके साथ आपको एक मंत्र का जाप करना होगा रात को सोने से पहले। ये जाप आपने 11 बार करना है। बस इतना सा उपाय करने की आपको जरूरत होगी। अहोई माता की कृपा के साथ आपकी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। आपको एक हफ्ते के अंदर ही खुशखबरी मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सिद्ध किया हुआ और प्रमाणित उपाय है। इसके जरिए कई लोगों ने अपनी औलाद सुख को हासिल किया है। जो औरतें परेशान आ चुकी थी समाज के तानों से कि लोग उनको बांझ कहते हैं, इस उपाय के जरिए उन्होंने औलाद सुख की प्राप्ति की है। गुरु माँ सरोज देवी जी हमेशा औरतों के लिए ऐसे उपाय लेकर आते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में चल रहे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर होते हैं। तो अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं, इससे जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में जानना चाहते हैं, औलाद सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियां लेकर आना चाहते हैं, तो बिना देर करते हुए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके गुरु माँ सरोज देवी जी से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे बताए गए हुए उपायों की जानकारी लेना चाहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।